ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। यहां पर हम बहुत तरह के इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस करते हैं, मेनली जो डिस्कस करते हैं वो माइक्रोस्कोप, जो कि आपने लेबोरेटरी में देखा होगा। दिस इज ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। क्योंकि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप इसलिए क्योंकि आजकल स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप भी होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी होता है, लेकिन यहां पर हम सिर्फ ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ते हैं क्योंकि ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं और बाकी तो सिलेबस से बाहर है। टेलीस्कोप, टेलीस्कोप दो तरह के होते हैं, एक तो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप और दूसरे जो होते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, हम डिस्कस करेंगे जहां पर हम उनके बारे में पढ़ेंगे। और माइक्रोस्कोप भी दो तरह के होते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और हम आई के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्स में आई के बारे में होता है, कुछ एग्जाम्स में आई के बारे में नहीं होता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें नहीं भी हो तो भी थोड़ा पढ़ना चाहिए जिससे हमारा नॉलेज इंक्रीज हो। तो आई के बारे में स्ट्रक्चर जितना हमें अच्छे से मालूम होना चाहिए उतना कोई बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और लेकिन उससे हमें समझने की मदद मिलती है कुछ दूसरे चीजों में, जैसे डिफेक्ट्स ऑफ विजन, मायोपिया, हाइपरमाइट्रोपिया एंड सो ऑन। तो उनको समझने में हमें मदद मिलती है आई के बारे में अगर हम अच्छे से पढ़ते हैं। तो आइए आगे देखते हैं हम आई और उसके बाद दूसरे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। नाउ हियर वी हैव अ डायग्राम ऑफ फॉर आई। डायग्राम इज समवॉट आर्बिट्री बट वी कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स विद दैट ऑल। देखिए आई में लाइट कहां से इंटर होता है, आई में लाइट इंटर होता है कॉर्निया से। यह हमारा कॉर्निया है जहां से लाइट इंटर होता है, जिसे हम बाहर की सरफेस कहते हैं आई का। और कॉर्निया के पीछे एक फ्लूड भरा होता है, उस फ्लूड को हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर। यह कॉर्निया के पीछे होता है एक्वस ह्यूमर। और जब लाइट इंटर होता है इनटू द आई तो वह यहां से इंटर होता है, दिस स्मॉल होल इज कॉल्ड प्यूपिल। यह होल छोटा बड़ा होता है क्योंकि इस होल में यह जो ब्राउन आप पार्ट देख रहे हैं, दिस ब्राउन पार्ट इज बेसिकली आयरिश। यह आयरिश एडजस्ट करता है लाइट के अमाउंट को, अगर आप बहुत कम लाइट में देखने की कोशिश करते हैं तो आयरिश फैल जाता है, प्यूपिल बड़ा हो जाता है। होल जो है वह प्यूपिल है और उसके आसपास जो आयरिश कलर देखते हैं, आयरिश का डिफरेंट डिफरेंट कलर होता है डिफरेंट डिफरेंट पर्सन में, तो यह आयरिश जो है वह फैल जाता है या सिकुड़ जाता है अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ लाइट। और लाइट यहां से इंटर होता है, इंटर होने के बाद हमारे पास होता है लेंस जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है लेकिन सॉफ्ट होता है। यह सॉफ्ट लेंस होता है, इट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन लेंस। दिस इज द लेंस फॉर द आई बेसिकली। इस लेंस के साइड में सिलियरी मसल्स होती है, सिलियरी मसल्स प्रेशर एग्जर्ट कर सकती है लेंस पर, जिससे लेंस की डायमीटर कम ज्यादा होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कम ज्यादा होती है इनफैक्ट, और थोड़ा सा डायमीटर भी चेंज होता है। तो लेंस एक प्रकार से दबाया जा सकता है दोनों तरफ से सिलियरी मसल से, उसकी फोकल लेंथ चेंज हो जाती है। अगर लेंस सिलियरी मसल उस पर प्रेशर एग्जर्ट करेंगी तो फोकल लेंथ कम हो जाएगी, पावर इंक्रीज हो जाएगी। और सिलियरी मसल रिलैक्स्ड है, इसका मतलब फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी और पावर कम हो जाएगी। तो रिलैक्स कंडीशन में फोकल लेंथ मैक्सिमम होगी, और स्ट्रेस्ड केस में सिलियरी मसल जब स्ट्रेस इस पर लगाएंगे तो फोकस कम होगा, पावर इंक्रीज होगी।
तो जब हम कोई चीज पास से देखने की कोशिश करते हैं तो हमारी मसल्स आई लेंस पर प्रेशर एग्जर्ट करती है, उसकी फोकल लेंथ कम कर देती है। जिन्हें कुछ डिफेक्ट्स होते हैं उनमें ये सिलेरी मसल्स अच्छे से काम नहीं कर पाती। लाइट यहां से फोकस होता है ऑन टू द लाइट यहां से फोकस होता है ऑन टू द रेटिना, और रेटिना इज दिस, दिस इज द रेटिना। लाइट यहां फोकस हो जाता है, दिस इज दिस दिस पार्ट इज कॉल्ड रेटिना। रेटिना इज बेसिकली स्क्रीन जस्ट लाइक ए कैमरा हैविंग अ फिल्म, और रेटिना पर जो इमेज बनती है वो ऑप्टिक फाइबर्स के कारण, ऑप्टिक फाइबर्स उस ऑप्टिक नर्व, बेसिकली ऑप्टिक फाइबर तो अलग क्वांटिटी हो जाती है, ऑप्टिक नर्व जो होता है वह यहां के लाइट को हमारी ब्रेन तक पहुंचाता है, यहां के सेंसेशंस को ब्रेन तक पहुंचाता है, वहां पर जाके इमेज बनाता है। तो ऑप्टिक नर्व बड़ी इंपॉर्टेंट है, इट इज जस्ट लाइक ए कनेक्शन कॉर्ड बिटवीन आई एंड ब्रेन। और यहां भी एक लिक्विड फिल होता है हमेशा, दैट इज कॉल्ड विट्रियस ह्यूमर। दैट इज कॉल्ड विट्रियस ह्यूमर। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, फोकस बड़ा इंपॉर्टेंट है यहां पर, सिलियरी मसल फोकस करने की कोशिश करती है हमेशा, रेटिना पर एडजस्ट करने की कोशिश करती है। तो अब हम देखते हैं कि आई से रिलेटेड दूसरी टर्म्स क्या है। लीस डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्विशन डिनोटेड बाय कैपिटल डी। हमारा आई क्या करता है, आई जो है वो रेटिना पर लाइट को फोकस करता है। अगर लाइट बहुत दूर से आ रहा है तो आई लेंस इजीली उसे फोकस कर सकता है रेटिना पर, लेकिन अगर बहुत पास से आ रहा है तो उससे फोकस नहीं कर पाता और उससे फोकस करने की लिमिट जो है वो क्रॉस हो जाती है। तो एक लिमिट होती है जिससे पास अगर हम ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश करें तो हम ढंग से अच्छे से नहीं देख सकते। दिस लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्विशन इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड नियर पॉइंट, बिकॉज उससे पास हम अगर कोई ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो अच्छे से फोकस नहीं किया जा सकता। इसलिए अगर ऑब्जेक्ट हमारे डी डिस्टेंस तक है तो आई उसकी इमेज बना सकती है। इस डी से अगर पास में ऑब्जेक्ट आप रखते हैं तो उसकी इमेज रेटिना पर इतनी क्लियर नहीं बनती है। एंड दिस डी इज 25 सेंटीमीटर फॉर ए अडल्ट हेल्दी पर्सन। तो अखबार अगर हम पढ़ना चाहते हैं, बहुत पास से पढ़ना चाहते हैं, तो हम 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस के पास नहीं रख सकते, अनलेस सिलियरी मसल्स को बहुत ज्यादा इफर्ट करना होगा फोकस करने के लिए और हमारे आईज पर स्ट्रेस होगा।